हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 6:30 और हम नहाकर हो गए हैं तैयार जाने के लिए सिरसा बस स्टैंड, क्योंकि आज हम जा रहे हैं सिरसा टू रामदेवरा राजस्थान। तो दोस्तों, हमारी जो बस का टाइम है वो सिरसा बस स्टैंड से लगभग 7:30 बजे का है, जो हमें चोपटा नोहर होते हुए अर्जनसर बीकानेर से होते हुए रामदेवरा पहुँचाएगी शाम को 7:30 बजे। तो ये जो पूरा सफ़र होगा वो लगभग 12 घंटे का होगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के साथ सिरसा बस स्टैंड। अभी हम बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और हमारी जो बस है वो 7:15 बजे की है। तो कुछ ही समय में हमारी बस आने वाली है। तो हम जा रहे हैं रामदेवरा, बस आएगी 7:30 बजे। जैसी बस आती है हम टिकट ले लेते हैं और बस के अंदर बैठ जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा वेट और करते हैं बस का। तो 7:30 से चलकर लगभग 8 बजे हम चोपटा पहुंच चुके हैं। हैं? व्यू भी ले ले। चल भाई, चला। आया बस, चल देगी अपने जल्दी आजा। पाकू ने तो नींद पूरी कर ली है ना। तो दोस्तों, अभी जो आप एक्सप्रेस वे देख रहे हैं ये गुजरात के जामनगर से लेकर पंजाब के अमृतसर तक बनकर तैयार हो जाएगा 2025 तक, जिससे जो सफ़र है वो थोड़ा और आसान हो जाएगा। यार उन्हें कीड़े डाल रखे हैं। कीड़े आइए आ जाओ। कीड़े है, प्याज नहीं है, रुत के हिसाब से है। तो लगभग 2 बजे गए हैं और हम बीकानेर बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। तो फाइनली गाइज, हम बीकानेर पहुंच चुके हैं और जो टाइम है वो लगभग 2 बज चुका है। तो 2 बजे हम बीकानेर पहुंच चुके हैं। अब यहां से अभी 3 या 4 घंटे और लगेंगे हमें रामदेवरा पहुंचने के लिए। तो शाम को 5 या 5:30 के आसपास हम रामदेवरा पहुंचेंगे। तो अभी फ़िलहाल बीकानेर हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं। तो दोस्तों, अभी जो हमारी बस रुकी है वो नंदनवन गौशाला के पास रुकी है, जो कोलायत बीकानेर के अंदर स्थित है। यहाँ पे जो हमारी बस का स्टॉपेज है वो 15 से 20 मिनट का है। और जो ये नंदनवन गौशाला है, यहाँ पे जो बीमार गायें हैं, जो अंधी गायें हैं, जो चोटिल गायें हैं, उनकी देखभाल की जाती है। कितने है? 4 है। कचौरी कितने की है? 15 रुपए की है।
सिरसा हरियाणा गौशाला के पास क्या नाम है कैंटीन कैंटीन में किसी ने गौशाला में सेवा करने रास्ते में बस रुकती भी है वो कर सकता है सेवा फाइनली गाइज हम रामदेवरा पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से ऑटो पकड़ के हम जाएंगे मंदिर के पास, तो चलिए चलते हैं। चलो ऑटो में हम बैठ गए हैं। 10-10 रुपये यहाँ से हमने ऑटो लिया, पहले दूसरे ऑटो वालों ने 20 रुपये बोला। जब चलने लगे तो कह रहे 10-10 रुपये। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रामदेवरा और अभी देख रहे हैं कोई होटल या धर्मशाला अच्छी मिल जाए। होटल इस साइड ही है आगे जाके। अरे वो कृष्णा होटल तो बंद है ना? ना कृष्णा वाला नहीं था, इस साइड था ये एक। तो फाइनली गाइज हमने रूम ले लिया है, 210 हमारा रूम नंबर है। सागर हमारे साथ पहली बार आया है, आप जानते होंगे सागर को। यहाँ है 210। कैसा लग रहा है? ठंडक है, बाकी अच्छा रूम है, साफ रूम है और एसी भी है, ठंडी हवा दे रहा है वैसे तो बढ़िया है। मिरर और टीवी है जिसका वायर है। चलो और ये है बाथरूम, अभी तो कोई है लेकिन इसका प्राइस है वो 1200 रुपये है एक रूम का। ओवरऑल देखा तो अच्छा ही है। तो कार्तिक पेमेंट कराया कितनी? 1200 रुपये। 1200 रुपये 10 रुपये। अच्छा ए सी चली गए। हाँ तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी हमने चेक इन किया है तो जो चेकआउट का टाइम है वो 10 बजे का है सुबह, और 1200 रुपये जो है इसका रेंट है। बाकी अगर यहाँ पे नीचे खाने की भी जगह है, अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो 10:30 बजे तक का टाइम है, खाना खा भी सकते हैं आप आराम से। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, नहाते हैं, फिर चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर मथा टेकने के लिए। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। A few hours later. मंदिर के पास में काफी सारी दुकानें हैं जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहां से जो बाबा रामदेव जी का मंदिर है उसकी एंट्री है। जय राम सापीर। गर्मी से राहत के लिए यहाँ पे बड़े बड़े पंखे और पानी का प्रबंध किया हुआ है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी के अंदर अजमल जी और मैना दे के घर पे हुआ था। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन में काफ़ी सारे चमत्कार किए थे और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे रामसा पीर, नीले घोड़े वाला।
तो दोस्तों अभी जो आप दीवार के ऊपर ये चित्र देख रहे हैं, इसमें बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में जितने भी चमत्कार किए गए हैं सभी को प्रदर्शित किया गया है। और दोस्तों माना जाता है कि डालीबाई के इस कंगन के नीचे से निकलने पे ये जो यात्रा है और जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। ये है बाबा रामदेव जी समाधि समिति का निःशुल्क भोजनालय जो मंदिर के बैक साइड है। तो चलिए प्रसाद लेते हैं। निःशुल्क प्रसाद चम्मच नहीं मिली कोई नहीं प्रसाद आसे का तो चम्मच नहीं नहीं। इसमें चावल है, हलवा, कड़ी और आलू, आलू की सब्जी और दो रोटी, आलू छोले की सब्जी और दो रोटी। चलो खाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने खाना खा लिया है, निःशुल्क भोजनालय, और खाना आपने देखा ही कितना टेस्टी था, और दिखने में भी टेस्टी था और खाने में भी टेस्टी था। बाकी मैं बात करूं यहां के टाइमिंग की तो जो खाना है वो सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक चलता है, उसके बाद शाम को 5:30 बजे से लेके 10 बजे तक। तो आप भी जब भी कभी रामदेवरा आए, रुणीचे धाम आए तो आप ज़रूर यहाँ खाइएगा, खाना सच में बहुत टेस्टी होगा। और अभी हम चलते हैं सीधा रूम पे। The next morning. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम नहा धोकर तैयार हो गए हैं, 8:50 हो गए हैं, अभी हम चलेंगे मंदिर के अंदर मत्था टेकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये भी तैयार हो गए हैं, कार्तिक, सागर, नितिन, उफा जी। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर, 8:50 हो गए हैं, मंदिर के अंदर मत्था टेकेंगे, फिर खाना खाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो घूमने की जगह है थोड़ी बहुत वो घूमेंगे। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर के अंदर। अगर हम होटल से सीधा चलते हैं तो मंदिर की तरफ चलेंगे, और इस तरफ है रेलवे स्टेशन का रास्ता जो कि हम बाद में जाएंगे। और देख कितने सारे लोगों ने पत्थर से घर बना रखे हैं, 3-3 मंजिल, 3-3, 4-4, जितने तेरी इच्छा है। रात को नहीं थी ना गाय, राम सरोवर।
ये आटा दे रहे ना कोई भी मछली एकदम से आ जाएंगी सारी यार। रात को कितनी सारी मछली है यहाँ से यहाँ से शुरू हो रहे वो झुंड किश्ती में भी जा सकते हैं। वो बोट बोट डूब गई दिख रही है वो ये डूब चुकी है इसके साथ तो टाइटैनिक वाला सीन अच्छी ला लिया भाई इधर ही लिया बोट जिस बोट में हम बैठे हैं उसका जो किराया है वो 50 रुपये है और जो दूसरी बोट मैंने आपको दिखाई रेड कलर वाली उसका जो किराया है वो 100 रुपये है। उधर आ जाओ तो अभी हम जा रहे हैं पर्चा बावड़ी की तरफ। कहा जाता है कि बावड़ी के अंदर ना जो सीढ़ियां बनी हुई है अगर नीचे उतरोगे गिनते गिनते मान लो 100 है ठीक है और अगर तुम गिनते गिनते ऊपर आओगे तो वो सोनी रहेगी नंबर कम या ज्यादा हो जाएगी 104 या 95 चेक करेंगे अपन चेक लेबर से चलता रहा है। अरे चप्पल भी तो दे वो नीचे जाना देख ले गिनते गिनते चलियो कितनी है। हम चलते हैं छाया के अंदर। लास्ट वाला जो शेड आप देख रहे हैं वहां तक जाना है नीचे जो आगे कार्तिक और वो जा रहे हैं सागर वो गिनते जा रहे हैं कि कितनी पैड़ी हैं। Thank you.
से आगे जाना मना है ड्यू टू सेफ्टी करके। बाकी जब हम पहले आते थे तो यहाँ पे ये पूरा खुला हुआ था, जाली वगैरह कुछ नहीं थी, तो हम एंड तक चले जाते थे। बाकी आप भी देख सकते हैं। नीचे वाकई बहुत गर्मी है। अभी हम चलते हैं ऊपर वापस और उनसे पूछते हैं कि नीचे उतरते हुए उन्होंने कितनी सीढ़ियाँ गिनी और ऊपर जाते हुए भी उन्होंने कितनी सीढ़ियाँ गिनी। तो जो टोटल था वो ऊपर और नीचे का दोनों सेम है या अलग अलग? नीचे का तो 104, हाँ ऊपर तो 115। आपको चार उन्होंने गिनी थी? इतना फर्क हो गया। कितनी थी? मैंने नहीं गिनी। आपने गिनी थी डैडी जी? नीचे जाते हुए चार, 104 104 और 115। हाँ बीच में कभी गिनती गुम हो जाएगी, पता नहीं पैड़ियाँ गुम हो जाए। अरे ये वरदान भी लाया है यहाँ पे, आज तक इसे कोई नहीं गिन पाया कोई भी। तो लिख के भी चल सकना तो भी कौन गिन सकता तू पूरी। अभी हम चलते हैं खाना खाने जहाँ रात को गए थे, निःशुल्क भोजनालय पे, जिसका जो टाइमिंग मैंने आपको बताया सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से लेके रात के 9:30-10 बजे तक। तो चलिए चलते हैं। काफ़ी बड़ा हॉल बना दिया है, पहले जब आते थे तब नहीं था ये, लेकिन अब लोग दर्शन करके आ गए हैं और हम भी लाइन के अंदर खड़े हैं दर्शन करने के लिए। गर्मी से राहत के लिए यहाँ बड़े बड़े पंखे और ये पानी का प्रबंध किया हुआ है इन्होंने। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रामदेवरा से पोखरण की तरफ और रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी जिसे हम देखेंगे, जैसे कि म्यूज़ियम, मंदिर, पोखरण किला। तो ये सब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।